अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आज जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर ज़ोजा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहिबज़ादी हैं। आपका ताल्लुक़ भी ख़ानदान कुरैश से था। आपके वालिद साहब का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके वालदा का नाम उम्मे रुमान है। आपकी जो कुनियत है वो आपके भांजे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मुनासिबत से आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। ये वो खुश नसीब साहिबज़ादी हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि जब इनकी उम्र छः साल की उम्र थी इनकी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से फरमाया, और जब रुखसती के वक्त इनकी उम्र जो है वो 9 साल की थी। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल मुबारक 66 साल की उम्र में 17 रमज़ान मुबारक को 57 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाहरी विसाल है वो उस वक्त हुआ जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 18 साल की उम्र में थी, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल हुआ। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो विसाल है 66 ईयर्स में हुआ। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन की गई।